दलित बलात्कार पीड़ित अपनी मां के साथ में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और एसपी राजेंद्र सिंह के साथ में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता से दुराचार के बाद में आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बता दें कि पीड़िता के साथ में 29 मार्च को पड़ोस में रहने वाले तीन युवकों ने गैंगरेप किया था। तीनों आरोपी शिकायत के बाद भी आज तक खुले घूम रहे हैं। दो दिन पहले भी राजवीर नारायण और पवन ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित दलित नाबालिग के साथ में मारपीट की और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। आए दिन ये जो लौंडा ले लेके आ जाते हैं मारने के अंदर, पीछे का गेट के तोड़ के चले गए। मैं तो हॉस्पिटल थी, इसको परसों के दिन भर्ती थी, जब कौन मेरे तो साथ कोई बोलते भी नहीं। हम तो बिल्कुल पुलिस कहती है उसको, हमको डरा दिया, पकल क्या किया ही, मैं हमको भगा दिया वहां से। 29 तारीख को हुई थी, मैं दुकान से आ रहे थे रास्ते में, तो तीनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, रास्ते में रोक कर कमरे में ले गए, मेरे साथ जबरदस्ती की उन्होंने, मारपीट की और अलमारी में बंद कर दिया उन्होंने। अब क्या हो रहा है? अब मुझे डरा के धमका रहे कि राजीनामा करो ना तुझे मार देंगे जान से, होते घर वालों को काट के फेंक देंगे। हमने आज शुरुआत की है, पहली बार ये एक्सरसाइज करके देखी है, तो दो ग्राम पंचायतें गोयली और भिनाई, इनमें हमने डायरेक्टली बात की। वहाँ पर जो अधिकारीगण मौजूद थे प्लस सरपंच और जो भी गांव के लोग थे उनसे बातें की। इससे एक प्रयास ये किया गया है कि जो भी वहाँ की समस्याएं हैं उसके लिए जिला मुख्यालय पर व्यक्ति को नहीं आना पड़े और डायरेक्टली हम यहाँ से बात करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर सकें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में अशोक सिमरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अशोक, बहुत घिनौनी वारदात जिसे अंजाम दिया गया था, इतना वक्त बीत गया, पकड़ना तो दूर जो आरोपी है उनको, वो अब धमकी भी दे रहे हैं इन बच्चियों को और इनके परिवार वालों को। जी बिल्कुल, एक दलित परिवार है, इनके परिवार में कोई खाता कमाता भी नहीं है, कोई बड़ा आदमी भी नहीं है। इस चक्कर में जो है पीड़ित परिवार काफी परेशान है, परेशान होकर आज कलेक्टर और एसपी दोनों के पास पहुंचा है। यहाँ पे दोनों से मांग की है कि उनको तीनों आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 29 मार्च का मामला है, पीड़िता के साथ ये घटना घटित हुई, इसके बाद से इन्होंने मामला दर्ज कराया, लेकिन आज तक न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा गया बल्कि आरोपी जो है बार बार उनको धमकी दे रहे हैं कि इस मामले को बंद कर दिया जाए और इस मामले को वापस ले लिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं थी, इसके चलते उन्होंने आज कलेक्टर के आगे गुहार लगाई है न्याय की। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।